एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी। गाइस, आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि थर्मोकपल से एक गैस स्ट्रीम जो है उसका थर्मोकपल से अपन टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। जो थर्मोकपल है उसके जंक्शन जो है उसको एक 1 mm डाया का स्फीयर मान लिया गया, ठीक है। और उस जंक्शन की प्रॉपर्टीज भी गिवन है, उस जंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज गिवेन है, रो सी पी के एच सारी वैल्यूज गिवेन है। और अब ये बोल रहे हैं कि जो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस था, उस इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस को ही रहा होगा, वो वैल्यूज गिवेन नहीं है। इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस का 99% पहुंचने में कितना टाइम लगा थर्मोकपल को, ठीक है। थर्मोकपल एक ऐसी रीडिंग आपको बता रहा है जो कि इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस का 99% है, तो उस रीडिंग को बताने में थर्मोकपल ने कितना टाइम लिया। तो जहाँ पर टाइम की बात आ जाती है, तो हम लोगों ने टाइम से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? एक तो हम लोगों ने टाइम से रिलेटेड टाइम और टेम्परेचर डिफरेंसेस के से रिलेटेड फॉर्मूला याद है, जो कि लम्ब्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम का से बेसिस का बेस्ड क्वेश्चन का था। और एक क्या था कि इंस्टेंटेनियस हीट ट्रांसफ़र का एंड हीट ट्रांसफ़र अप टू टाइम टी का जो था, वहाँ भी टेम्परेचर की एंड टाइम की बात होती थी। बट यहाँ पर क्या है कि हमें कोई रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र नहीं बतानी है, हमें सिर्फ टाइम की बात बतानी है, और यहाँ पर टाइम एंड टेम्परेचर डिफरेंसेस के बीच की बात आ रही है। तो मतलब तय है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा log of tt minus t infinite and ti minus t infinite, ठीक है, and minus ha over mcp into t। अब अगर यहाँ पर ये बोल रहे हैं इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस मतलब इनिशियल से फाइनल तक पहुँचने में जितना टाइम लगा, तो ये टी टी माइनस टी इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसे अपन लिख सकते हैं 99%, यानी कि 0.99 ऑफ टी आई माइनस टी इनफाइनाइट ओवर टी आई माइनस टी इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस एच ए बाय एम सी पी को लिख सकते हैं एच बाय रो एल सी इंटू सी पी। ए बाई एम जो हो जाएगा मतलब यानी कि एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो होगा, या फिर इसे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया की अगर बात करें तो ये एल सी हो जाएगा वॉल्यूम, और ये एरिया इसमें डिवाइड हो जाएगा इंटू टी। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, लॉग ऑफ 0.99 एच की वैल्यू गिवेन है, एल सी क्या होता है स्फीयर के लिए कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आर बाय थ्री, तो आर यहाँ पर क्या है हमें डाया गिवन है वो भी एम एम में, तो आर बाय थ्री होता है, तो मैंने लिखा इसे इंटू थ्री एंड आर की वैल्यू हो गई 0.05 mm, तो इसे हो गया 10^-3, ठीक है। एंड सी पी, सी पी वैल्यू 320, अब मैं अगर बात करूं कि टी की वैल्यू क्या है, टी इज इक्वल टू 0.02169 सेकेंड्स, दिस वन विल बी द आंसर, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 2 से 3 स्टेप ज्यादा नहीं लगेंगे आप लोगों को, ठीक है, और ये 2 मार्क में फ्रेम हुआ था। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या है, मैं फिर से हिंट देना चाहूंगी कि आपके लिए क्या जरूरी है इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो। सबसे पहले अगर वो पूछा है 99% किसका है, तो ये हमें पता होने, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि टी मतलब इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस का 99% है, यानी कि टी आई माइनस टी इनफाइनाइट का, ठीक है। आपको इस टर्म में रख देना है, सारी वैल्यूज गिवन है, एंड क्या है कि आपको टेम्परेचर टी की, सॉरी टाइम टी की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है,
और बस फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए। इसीलिए आप लोगों को अभी तक दो क्वेश्चन हम लोगों ने किया, उसमें देखा कि उसमें रिपीटेडली यही वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। जहाँ पर टाइम की बात आ जाती है वहाँ पर रिपीटेडली यही वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो क्यों ना आप इस फॉर्मूला को बिल्कुल मगअप कर डालिए। जब आप लोगों को एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को 2 मार्क्स एटलीस्ट 2 मार्क्स दिला रहा है, तो क्यों ना याद कर लिया जाए। और कोई भी रॉकेट साइंस तो नहीं है यहाँ पर कि कोई बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत पड़ी, कुछ भी नहीं सोचने की ज़रूरत पड़ी, फ्री के 2 मार्क्स। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा है। हाँ तो गाइस, अभी हम एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन में बोल रहे हैं ये कि एक कॉपर बॉल है, मेटेलिक बॉल, जो कि रेड हॉट है और उसका टेम्परेचर बोल रहे हैं 500 डिग्री केल्विन है, ठीक है। और वो 300 केल्विन के एक ऑयल में सडनली ड्रॉप की जाती है। तो जब वो 300 केल्विन के ऑयल में ड्रॉप की जाएगी तो क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट दोनों के बीच एग्जिस्ट होगा, करेगा 500 केल्विन एंड दिस वन इज ऑयल और इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो अब ये बोल रहे हैं कि एंड कॉपर की प्रॉपर्टीज इन्होंने गिवन है। अब क्वेश्चन में आस्क्ड है कि रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ द टेम्परेचर, देखते हैं। जैसे रेट इन्होंने बोला रेट, तो बनने लिख दिया d/dt, रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर ऑफ द कॉपर बॉल एट द बिगनिंग व्हाट विल बी। तो रेट ऑफ द ड्रॉप ऑफ द टेम्परेचर किसी टाइम टी पर अपन ने लिया, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कहाँ पर, बिगनिंग में, एट टी इज इक्वल टू जीरो के क्या होगा। तो अब फिर से वही क्वेश्चन की बात आई कि क्या है, कहीं इन्होंने अगर रेट पूछी तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र वाला तो नहीं लगेगा, नहीं। लेकिन इन्होंने रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर पूछा एंड टाइम पूछा, ठीक है। टाइम गिवेन है, टेम्परेचर की वैल्यूज गिवेन है। तो मैंने बोला बार बार आप लोगों को अगर टाइम एंड टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी डेटा गिवेन है या फिर वहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ स्टेटमेंट गिवेन होता है तो आपको बिना कुछ सोचे समझे सीधे यही वाला फॉर्मूला पुट करना है, लॉग TT माइनस टी इनफाइनाइट ओवर TI माइनस टी इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस HA ओवर MCP इंटू टी। अब बात आती है कि हमने क्या करना है, इसे टी तक में रेड्यूस करना है। अब मैंने इसे इस फॉर्म में लिख दिया TT माइनस टी इनफाइनाइट एंड ओवर TI माइनस टी इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस HA ओवर MCP इंटू टी। TT will be as T infinite plus TI minus T infinite times exponential of minus HA over MCP into T. अब मैंने क्या किया, ये एक एक्सप्रेशन बना, मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया, ठीक है, एंड सारी वैल्यूज रख दी। T will be as 300, T infinite is as 300, TI is 5 plus TI minus T infinite होगा 500 minus 300 exponential of minus HA over MCP into T. TT will be as 300 plus 200 times minus H exponential minus HA over MCP को मैंने लिख दिया 200 times exponential of minus H over rho LC CP into T, ठीक है। अब मैं इसे डेरिवेट कर दे रही हूँ इस इक्वेशन को, इक्वेशन सेकेंड को, d/dt of TT. This will be as 0 plus 200. Exponential value जो है वो exactly वैसी हो जाएगी, exponential minus
एच ओवर रो एल सी सी पी इंटू टी। एंड अपन जब एक्सपोनेंशियल के अंदर का टर्म है इसे अगर करेंगे डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगी इंटू माइनस ऑफ एच ओवर रो एल सी सी पी। ठीक है, एंड अगर अपन बात करें डी बाई डी टी 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 ओवर एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस 200, एंड जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे बात करेंगे तो 200 टाइम्स एच वाई रो एल सी सी पी। वैल्यू मैंने एच की गिवन है 250, रो इज गिवन एज 9000, एंड एल सी, एल सी इन केस ऑफ स्फेयर, स्फेयर के केस में आर ओवर थ्री होती है, आर नहीं क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है 5 mm, तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू जो होगी वो होगी 2.5, मैंने इसे मीटर में कन्वर्ट किया, एंड आर ओवर थ्री, मैंने थ्री का मल्टीप्लाई इधर किया। ठीक है, एंड 2.1 ये हो गई एल सी की वैल्यू, एंड सी पी वैल्यू इज गिवन एज 385। कुछ भी नहीं है, जैसे कि रिपीटेडली हम लोगों ने प्रीवियस दो क्वेश्चन और कर रखे हैं, सेम वही फॉर्मूला, बस क्या है कि यहाँ पर इन्होंने टाइम वैल्यू नहीं पूछी है, इन्होंने जैसा जैसा स्टेटमेंट बोल रहा है आपको वैसे वैसे पढ़ के आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्वेश्चन में आस्क्ड वैल्यू क्या है। जैसा कि ये बोल रहे हैं रेट, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि डी बाई डी टी होगा किसी टर्म का, रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर, तो रेट मैंने लिखा डी बाई डी टी ड्रॉप ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द कॉपर बॉल, यानी कि किसी इंस्टेंट टी पर होगा, अभी मुझे नहीं पता है कि किस टाइम पर होगा, तो मैंने डी बाई डी टी ऑफ टी टी लिख दिया। फिर उन्होंने बोला है एट द बिगनिंग, यानी कि टी इज इक्वल टू जीरो पर, तो टी इज इक्वल टू जीरो पर, तो अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूला मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों से कि रिपीटेडली यूज हो रहा है, आप लोग इसे कैसे भी हिंदी उर्दू फारसी इंग्लिश अरबी कैसे भी हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, जैसे आपको समझ आए, बस आप लोगों को ये फॉर्मूला मगअप कर डालना है, सोते जगते उठते बैठते बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर आपको 2 मार्क्स चाहिए, या फिर हो सकता है कि 4 मार्क्स में भी कभी कभी लिंक्ड आंसर क्वेश्चंस में भी फ्रेम हो जाए इस तरह के क्वेश्चन, तो ठीक है आपको ये फॉर्मूला गिवन है, यहाँ से टी टी की वैल्यू सिंप्लीफाई करके टी टी के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन बना लिया, फिर उस टी टी को मैंने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया वन टाइम, एंड वहाँ पर फिर लिमिट रख दी टी इज इक्वल टू जीरो पर, तो एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएगा 200 टाइम्स एच ए बाई एम सी पी वाला फॉर्म आएगा, मैंने उसे और सिंप्लीफाई कर लिया तो हो गया 200 टाइम्स एच बाई रो एल सी सी पी। ठीक है, फिर वहां से वैल्यू आ जाएगी 1.73 केल्विन पर सेकेंड, दिस विल बी द आंसर, दैट्स इट। हाँ तो गाइस अभी एक क्वेश्चन गिवेन है, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि एक स्टील बॉल है, ठीक है, स्टील की स्फेरिकल बॉल है जो 1000 केल्विन के टेम्परेचर पे है, ठीक है, एंड सराउंडिंग टेम्परेचर कितना था, 300 डिग्री सेल्स, 300 केल्विन है सराउंडिंग टेम्परेचर, एंड कॉपर बॉल एंड सराउंडिंग के बीच जो हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट है दैट वन कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर होगा इसके और इसके बीच, एम्बियंट के बीच एंड कॉपर बॉल के बीच जो हीट ट्रांसफर होगा वो वाया कन्वेक्शन होगा, तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट एच की जो वैल्यू है वो गिवन है, एंड जो स्टील बॉल है उसका डाया गिवन है,
डायो कितना 12 mm गिवन है एंड के ऑफ द स्टील, के ऑफ द स्टील गिवन है दैट वन इज 21। अब इन्होंने ये पूछ रहे हैं कि चार ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मतलब अच्छे से इसके लिए मतलब वैलिड होगा। और इन्होंने पूछा है कि ये जो स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल के सेंटर, स्फेरिकल बॉल के सेंटर एंड इसके सरफेस में जो टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस क्या होगा इसके और सरफेस और सेंटर के बीच में, क्योंकि कोई भी बॉडी अगर वो लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम नहीं है कोई भी सिस्टम, तो उसके सेंटर में अगर रेड हॉट बॉडी है तो उसके सेंटर का टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और उसके सरफेस का टेम्परेचर जो होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। बट अभी हमें ये नहीं पता है कि ये लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम है। अब इन्होंने चार ऑप्शन गिवेन है, चार ऑप्शन जो है वो अपन बाद में देखेंगे। पहली बात तो इनके पूछने का मतलब है कि सेंटर और सरफेस के बीच के टेम्परेचर में डिफरेंस क्या ज़्यादा है या कम है या नहीं है या कैसा है, ये हम कैसे देखेंगे। हम लोगों ने क्या आप लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में सोचिए कि जो प्रीवियस लेक्चर्स थे जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम का कंसेप्ट पढ़ा था, तो लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम का कंसेप्ट में क्या था, किसके लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम कब कहलाएगा, जब उसके सरफेस एंड सेंटर का टेम्परेचर इक्वल होगा, मतलब उसका किसी भी सिस्टम के बल्क का टेम्परेचर और उसके सरफेस का टेम्परेचर क्या हो, इक्वल हो, या कह सकते हैं उसके बल्क में और सरफेस में वहाँ कहीं पर भी उसके बल्क में टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट ना कर रहा हो, और मतलब एग्जिस्ट कर रहा हो तो मतलब बहुत ही कम हो, अप्रोचेस नियर अबाउट ज़ीरो, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम। एंड किसी भी सिस्टम को लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम कहलाने के लिए कंडीशन क्या थी, कंडीशन फॉर द सिस्टम टू बी लम्प्ड, कोई एक डायमेंशन लेस नंबर मैंने बताया था, डायमेंशन लेस नंबर जिसके बेसिस पे हम डिफाइन करते थे कि वो सिस्टम क्या, डिसाइड करते थे कि वो सिस्टम लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम है या फिर नहीं है, कौन सा नंबर, बायट नंबर। बायट नंबर क्या कहलाता है, बायट नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, एच एंड एलसी, एलसी इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, एच इज द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बिटवीन द बॉडी एंड द एटमॉस्फेयर, एंड के, के यहाँ पर किसके लिए होता है, फ्लूइड के लिए, नो, फ्लूइड के लिए अगर यहाँ पर होता तो ये बायट नंबर ना होकर के नसल्ट नंबर कहलाता है, यहाँ पर जो के होता है वो होता है सॉलिड बॉडी का, के ऑफ सॉलिड, तभी ये नसेल्ट नंबर है। तो अब अपन यहाँ पर बायट नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, बायट नंबर की अगर बात आई, एच की वैल्यू गिवन है, एच इज गिवन एज 5, मैं अगर एलसी की बात करूँ तो ये कैसा सरफेस है, कैसा मतलब ज्योमेट्री है, वेरिएबल एरिया ज्योमेट्री, दैट वन इज स्फेयर, एंड स्फेयर की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या आती थी, आप वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया करके सॉल्व भी कर सकते हैं, बट आर बाय 3 होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लें, ठीक है। एंड के ऑफ सॉलिड इज गिवन एज 21, के ऑफ स्टील। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी 6 mm, 6 × 10⁻³ ओवर 3 × 21, तो बायट नंबर की जो वैल्यू आ गई वो आई 4.76 × 10⁻⁴, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.076, ठीक है। अब यहाँ पर से हम देख रहे हैं कि जो बायट नंबर की वैल्यू है वहाँ पर क्या था कि अगर बायट नंबर की वैल्यू 0.1 से कम है तो वो सिस्टम लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम कहलाएगा, बट अगर कोई भी सिस्टम जिसकी सॉरी कोई भी सिस्टम लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम कब कहलाएगा, जब बायट नंबर की वैल्यू 0.01 से कम है, ठीक है। बट अगर 0.01 तक भी है, मतलब किसी सिस्टम के को लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम कहलाने के लिए जो बायट नंबर की रेंज थी वो थी 0.01 से लेके 0.1 तक,
कि अगर इस रेंज तक में भी बैड नंबर आता है तो वो लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम कहलाएगा। बट ये जो गिवन क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है कि बायट नंबर जो है अपना दिस वन इज वेरी वेरी लेस देन इन कंपैरिजन टू 0.01। तो अपन यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो गिवन स्फेरिकल स्टील बॉल है वो एक आइडल लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ से ये डिसाइड हो गया, मैंने क्या किया बायट नंबर से कैलकुलेट किया कि मतलब बायट नंबर से ये डिसाइड किया कि क्या बॉडी लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है या नहीं। तो अब यहाँ से ये तो पता चल गया कि इसके सेंटर और इसके सरफेस के बीच जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वैसे तो आइडियली ज़ीरो होता है लेकिन ज़ीरो वाला हमारे ऑप्शन में कोई नहीं गिवन है, चारों ऑप्शन में ज़ीरो नहीं गिवन है, चार ऑप्शन गिवन है। एक में गिवन है आर कंडक्शन इज लेस देन आर कन्वेक्शन, दो में ऐसा गिवन है और दो में गिवन है आर कंडक्शन इज ग्रेटर देन आर कन्वेक्शन। एंड बायट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, बायट नंबर की डेफिनेशन मैंने जैसे बताई थी कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट बाय कंडक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट, कंडक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट विद इन द फ्लूइड एंड कन्वेक्ट एंड कंडक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट विद इन द सॉलिड। और अगर मैं सॉलिड की जगह यहां पर यहां भी फ्लूइड होता तो ये क्या बन जाता, नसेल्ट नंबर बन जाता। अब अगर मैं इसे रेजिस्टेंस के टर्म में लिखूं तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं रेजिस्टेंस के टर्म में लिख रही हूं तो ये हो जाएगा आर ऑफ कंडक्शन डिवाइडेड बाय आर ऑफ कन्वेक्शन, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब यहां पर क्योंकि क्या है बायट नंबर, बिकॉज बायट नंबर इज वेरी वेरी लेस देन वन, तो क्या है ये रेशियो वन से बहुत ही कम है, तो ये वन से कम कब होगा, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तभी तो वन से कम आएगा, अदरवाइज अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू वन से बहुत कम हो गई तो ओवरऑल वैल्यू वन से ज्यादा आएगी। तो बायट नंबर क्योंकि वन से बहुत कम है तो यहाँ पर बोल सकते हैं आर कन्वेक्शन इज लेस देन, सॉरी इज ग्रेटर देन आर ऑफ कंडक्शन। ओके, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया न्यूमरेटर से तभी बायट नंबर की वैल्यू वन से बहुत कम आई। तो अब यहां पर हमने क्या किया, दो ऑप्शन ऐसे जो बोल रहे हैं आर कंडक्शन इज ग्रेटर देन आर कन्वेक्शन वो दोनों एलिमिनेट कर देंगे अपन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन, अब हमारे क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 50% हो गई, बिकॉज दो सबसे पहले ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को वो ऑप्शंस जो कि पॉसिबल नहीं है उन्हें एलिमिनेट करना है। तो दो वो ऑप्शन जो बोल रहे हैं आर कंडक्शन की वैल्यू आर कन्वेक्शन से ज़्यादा होगी वो एलिमिनेट हो गए। अब ठीक है, अब बचा कि जो सेंटर एंड सरफेस के बीच टेम्परेचर डिफरेंस है वो लार्ज होगा या स्मॉल, वो भी दो ऑप्शन में गिवन है, दो ऑप्शन में गिवन है लार्ज और दो में गिवन है स्मॉल। अब क्योंकि ये एक आइडल लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम है तो इनके बीच जो डिफरेंस होगा, यानी कि डिफरेंस जो हुआ यानी कि ग्रेडियंट जो डेवलप हो रहा है वो क्या है, बहुत ही कम है, अप्रॉक्स नेग्लिजिबल है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर नियर अबाउट सेम होंगे, तो कह सकते हैं कि यहाँ और यहाँ के बीच का जो डिफरेंस होगा टेम्परेचर डिफरेंस वो बहुत कम होगा, तो वो वाला ऑप्शन होगा स्मॉल वाला, जो एक ऑप्शन बोल रहा है स्मॉल डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस विल बी स्मॉल, टेम्परेचर डिफरेंस विल बी स्मॉल। ठीक है, बस ये दोनों पॉइंट है। अब ये दोनों पॉइंट जिस भी ऑप्शन में लाए कर रहे हो वही ऑप्शन सही होगा,
आई गेस फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, बस आपको क्या है कि इन्होंने दो दो ऑप्शन में दो अलग अलग क्राइटेरियाज दे रखे। एक तो उन्होंने इस बेसिस पे दे दिया कि लम्ब्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम है या नहीं, तो हमने चेक कर लिया है कि या नहीं। अब अगर क्योंकि अपना सिस्टम कैसा आ रहा है, एक आइडल लम्ब्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम जैसा ही बिल्कुल आ रहा है, तो क्या है हम लोगों ने यहाँ से एक ये डिसीज़न निकाल लिया कि दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होगा, यानी कि स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस होगा। वैसे तो ज़ीरो ही होगा, लेकिन ऑप्शन में ज़ीरो नहीं गिवेन है, स्मॉल और लार्ज के टर्म में गिवेन है, तो स्मॉल सही होगा, ठीक है। अब लेकिन स्मॉल भी दो ऑप्शन में गिवेन है, अगर किसी एक में गिवेन होता तो हम वहीं पर से आंसर टिक कर देते। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि उन्होंने साथ में एक ये भी ऑप्शन लगा दिया कि आर कंडक्शन और आर कन्वेक्शन में कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा है, तो वो कैसे चेक करेंगे, वो यहाँ से, क्योंकि बाइट नंबर की वैल्यू 1 से बहुत कम आ रही है, तो उन रेशियो में दोनों की कंपैरिजन कर लेंगे, दैट्स इट। आई होप गाइस आप लोगों के आज के मैंने जितने भी आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए, वो अब तक के प्रीवियस लेक्चर्स में जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा उसी से रिलेटेड थे, और ये एग्जैक्टली उसी लेवल के थे जैसे एग्जाम में फ्रेम होते हैं, ठीक है। कुछ भी हम लोगों ने नया और कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ा है। आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट आया होगा। इनकेस अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है आज के जो मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए, या फिर एक कंसेप्ट भी जो डिस्कस किया उसमें अगर अब तक भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में गाइस कमेंट्स कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट आया होगा, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। थैंक यू सो मच गाइज़।